नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का खौफ कायम रखने के लिए लाटगंज पुलिस के द्वारा आरोपी का सरेराह जुलूस निकालते हुए कान पकड़कर उठक बैठक लगवाकर दोबारा अपराध न करने की कसम खिलाई गई। आपको बता दें कि कल देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक शताब्दीपुरम कॉलोनी में दहशत फैलाने को लेकर आतंक मचा रहे हैं और आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए अमन चौरसिया और किशोरों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। वही आज लाटगंज पुलिस के द्वारा अपराधियों का आम जनता में खौफ खत्म करने के लिए थाने से बीच सड़क पर आरोपी अमन चौरसिया का कान पकड़वाकर जुलूस निकाला गया और दोबारा अपराध न करने की कसम खिलाते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। जी, कल दिनांक को शाम करीबन 6:30 बजे JDA ब्लॉक में शताब्दीपुरम में सेनाई गार्डन के सामने 2-3 युवक आपस में लड़ झगड़ रहे थे और आतंक मचा रहे थे, जिसमें से ये अमन चौरसिया मौके पर लठ लेके मिला था, जिसको पुलिस स्टाफ द्वारा पकड़ा गया था और प्रार्थी की रिपोर्ट में FIR रजिस्टर्ड की गई। क्या धारा लगाई गई है? धारा 294, 323, 534 का मामला रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें से 2 बच्चे माइनर हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये मेजर था, इसी खिलाफ 151 कार्रवाई की गई है। नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।